इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। केशी श्रवण के शाश्वत सवाल जो आज भी हमारे हैं, कल भी रहेंगे, जो हर व्यक्ति की जीवन की समस्याएं, केशी श्रवण इंद्रपति गौतम से पूछ रहे हैं। एक ऐसा जहरीला पौधा, एक ऐसी जहरीली बेल जिसकी जड़ भी जहरीली, जिसका तना भी जहरीला, जिसके पत्ते भी जहरीले, जिसके फूल भी जहरीले, जिसके फल भी जहरीले, ऐसी एक लता सभी के हृदय में पनपती है और उसके फल हर व्यक्ति को खाने ही पड़ते, हर प्राणी को चखने ही पड़ते। ये अंतर हृदय में पनपने वाली ये लता जहरीली लता, क्या तुम इसको जानते हो? मैं तुम्हें देख रहा हूं केशी श्रवण के रेंद्र बुद्धि गौतम से कि तुम्हारे अंदर वो जहरीली लता मुझे नजर नहीं आ रही। तुम्हारा चेहरा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुमने कोई जहरीला फल चखा हो। तुमने वो जहरीली लता को कैसे उखाड़ा? उससे तुम मुक्त कैसे हो गए? और वो लता को तुम जानते हो तो बताओ कौन सी वो लता है? इंद्रपुत्र गौतम ने जवाब दिया कि मैंने उस लता के पत्ते नहीं तोड़े, फूल नहीं तोड़े, फल नहीं तोड़े, उसके तने को भी नहीं काटा, मैंने उसको जड़ से उखाड़ दिया। और जड़ से उखाड़ने के कारण से मेरे अंदर वो जहरीली लता है ही नहीं, जिसके फल मुझे खाने ही नहीं पड़ते। वो जहरीली लता कौन सी है? पेज नंबर 92, गाथा नंबर 48। भवतनालयावुतां भीमा भीमा फलोदया तमुद्धरितो जहानायं विहरामि महामुनि। एक धन की तृष्णा होती है, लेकिन धन की तृष्णा ये भव तृष्णा को लगा हुआ एक पत्ता है। एक सत्ता की प्यास होती है, एक धन की प्यास होती है, एक पुत्र की प्यास होती है, एक प्रतिष्ठा की प्यास होती है। मुझे ये होना है, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सारी ऊपर की प्यास है। इसके सबसे मूल में एक प्यास है जिसमें से सारी प्यासें जन्मती है, डिमांड। एक ही डिमांड के सारे रूप है और वो डिमांड है भवतन्ना, संसार की प्यास, कुछ होने की प्यास। मैं जो हूं उसमें मैं खुश नहीं हूं, मैं कुछ और होना चाहता हूं, मैं कुछ और होना चाहता हूं, मैं कुछ और होना चाहता हूं। और ये पूरी ट्रेनिंग इस संसार में दी जाती कि तू कुछ और हो जाए, तू कुछ और हो जाए। माँ बाप चाहते कि बच्चा कुछ और हो जाए, और वो और होने की तमन्ना, मैं वही हो सकता हूं जो मैं हूं। आम का पेड़ आम ही हो सकता है, बबुल का पेड़ बबुल ही हो सकता है। इसलिए किसी पेड़ में आप कोई तनाव नहीं देखोगे,
घोड़ा घोड़ा ही हो सकता है, घोड़े ने कभी प्रयास नहीं किया कि वो हाथी बन जाए, इसलिए घोड़े के बॉडी में कोई तनाव नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर बहुत अन्याय, उसको ज्ञान श्रद्धा चरित्र जो हो सकता है, जो उसकी शाश्वत संपदा है, उसका उसको एहसास नहीं होता, स्वयं के चैतन्य का एहसास नहीं होता। वो खोजता है बाहर में, और ये बाहर की खोज, बाहर में खोजने की प्यास, उसको प्यास कहा गया। ये बहुत अन्ना, ये बहुत रुष्णा की ये लता इतनी गजब की है, इसके इतने भयंकर फल लगते हैं। ये भीम है, ये भयंकर है, भीमा भीम फलोदया, ये भयंकर है और इसको भयंकर फल लगते हैं। इसको जड़ से ही उखाड़ना होता है, और इसको जिसने जड़ से उखाड़ दिया है उसके चेहरे पर कभी कड़वाहट नजर नहीं आती है। कड़वा फल खाएंगे तो चेहरे पर कड़वाहट आएगी, कड़वा खाओगे ही नहीं तो चेहरे पर कड़वाहट कैसे आएगी। ऐसे मूलभूत सवाल है। किसी श्रमण ने पूछा कि मैं देख रहा हूं कि भयंकर आग जल रही है, उस आग में आत्मा भी जल रही है, शरीर भी जल रहा है, मैं लोगों के तन को, लोगों के मन को, लोगों की चेतना को जलता हुआ देखता हूं, और जब तुम्हें देखता हूं तो उस आग में तुम्हारे अंदर वो आग ही नहीं रही, तुमने उस आग को कैसे शांत किया है? एक आग लेकर के लोग जी रहे हैं, एक ज्वाला लेकर के जी रहे हैं, कंटिन्यू हम जलते ही रहते हैं, कभी ईर्ष्या में जलते, कभी क्रोध में जलते, कभी अहंकार में जलते, कभी राग में जलते, कभी द्वेष में जलते, ये आग निरंतर अंदर में जल रही है। इस आग को तूने बुझाया कैसे? बेसिक क्वेश्चन, कैसे बुझाया इस आग को? और बड़े गजब के जवाब है इंद्रोति गौतम के, बड़े अनूठे जवाब है, ऐसे जवाब मिलने मुश्किल है। लेकिन आप यदि इसको प्रैक्टिकल में लाओगे तो ये जवाब आपको जिंदगी को लाजवाब बना देंगे। बड़े सुंदर जवाब है, कषाय की आग को कैसे बुझाया, उसका उत्तर जो इंद्रपति गौतम का है। शायद आपने इसको महसूस किया है, इस जवाब को आप स्वयं को महसूस करें कि जब जब तक आप इस आराधना में रहते हैं तब आपके अंदर कौन सी कषाय का जागरण होता है, कौन सी ईर्ष्या जन्मती आपके अंदर, क्यों, क्या कारण? इंद्रभूति गौतम का ये प्रयोग है, इस अनुष्ठान का वो सूत्र है जिस विरुद्ध का हम गान करते हैं, उस विरुद्ध का भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज ने बताया वह सूत्र है। वो सारी साधना का सूत्र अगली गाथा में है, और इसलिए बार बार हमारा आग्रह रहता है, एक प्रयास करते हैं कि हर जिनेश्वर के कुल में परमात्मा की वाणी की वर्षा रोज होती रहे, सुधर्मा स्वामी की नाक्षरों की वर्षा रोज होती रहे। इंद्रभूति गौतम इस बात को कह रहे हैं, पेज नंबर वही है, गाथा 51 और 53। महामेह पशु यावो गिज्झवारी जनु तमं
सिंचामि सयं ते वो सीता नो दहन्ति मे कसाय गिनो उता सुयसिल तव जलम सूय धारा व्यय संता भिन्ना हो न डांति में। कषाय की आंख है और महामेह पशु यावो, महामेघ तीर्थंकर के वाणी का वचनातिशय का है। उस महामेघ में से मैं पानी लेता हूं, गिज्झ वारे जलोत्तम, इस महामेघ की वर्षा का जल मैं लेता हूं, उस जल से इस आग का मैं निरंतर सिंचन करता हूं। सिंचामी संयम तेवू सीता नो दहंती में, वो बुझ जाती है और मुझे जलाती नहीं है। सूर्य धारा अभिया संता, श्रुत की धारा से निरंतर आग, यदि आग पर ही पानी डाला जाए कषाय की आग पर, और ये तो आपको भी पता है कि आग पर पानी डालो तो आग बुझ जाती है, लेकिन जैसी बाहर की आग को बुझाने के लिए पानी लगता है, वैसी कषाय की आग को बुझाने के लिए जो पानी है वो है ये दिव्य अक्षर, ये लब्धि अक्षर, ये सन्नी अक्षर, ये व्यंजन अक्षर। इन अक्षरों में तीर्थंकर परमात्मा का नाम कर्म का पुण्य भी है, सुधर्मा स्वामी के गंधर्व लब्धि की शक्ति भी है, दोनों के शक्ति का संगम इन अक्षरों में, और इन दोनों की जब ये जल ये वर्षा कषाय पर होने लग जाती है तो कषाय बुझ जाते हैं। आपने आज तक क्रोध के लिए अहंकार के लिए बहुत सारे उपाय सुने होंगे, अजमाए भी होंगे, लेकिन आपको भी पता है वे सारे उपाय थोड़ी देर के लिए तो शायद ठंडा कर देते हैं लेकिन वापस गर्मी बढ़ा देते हैं। लेकिन एक प्रयोग करें, अपने परिवार में एक प्रयोग शुरू करें कि परिवार साथ में बैठे और साथ में बैठकर करें परमात्मा की इस पृथ्वी के अक्षरों की वर्षा हमारे परिवार जनों पर हो रही है, ये अक्षर बरस रहे हैं, इन अक्षरों की जल बरस रहा है, ऐसा विजुलाइज करते हुए विरुद्ध का पांड घर में सामूहिक रूप से करें। परमात्मा की इस अनुत्तर देशना की 11 गाथाओं का मंगल गान करें और देखें कि परिवार में क्या एहसास होता है। इंद्रभूति गौतम के बताए भी साधना है, इसलिए इस बार मैंने इस अध्याय की एक एक गाथा, दो दो गाथा, एक एक सवाल, दो दो सवाल लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, और इस उम्मीद से बढ़ रहा हूं कि एक एक प्रयोग आपके पास आएगा तो शायद आप उसको प्रैक्टिकल कर पाओगे। एक कल्पना करेगा जिस समय अपने में डर लग रहा है, भय लग रहा है, बहुत भयभीत हो रहा है, और भयभीत होते उस समय महसूस करो कि आप पर विरुद्ध के अक्षरों की वर्षा हो रही है, उनका जल आप पर बरस रहा है। ये जो अंतर की चेतना है वो जैसा आप सोचते हैं वैसी वो हो जाती है, जैसा आप विजुलाइज करते हैं वैसा उसमें शुरू हो जाता है। और भगवती सूत्र का एक बड़ा
अनूठा सवाल मंडई पुत्र ने मंडई ने भगवान महावीर से पूछा है, बड़ा गजब का सवाल था कि जो जीव मोक्ष में जाते उनका जो अंतिम तेजस शरीर है, कार्बन शरीर है, उस तेजस शरीर के कार्बन शरीर के जो परमाणु है वे क्या होता है? तो परमात्मा ने कहा वे पूरे 14 राजलोक में व्याप्त हो जाते हैं। अगला सवाल पूछा, क्या नारकी के जीव, क्या तिरंज गति के जीव, क्या देवता, क्या मनुष्य, उनके उन परमाणुओं को अपने श्वास में, अपने मनन में, अपने आहार में ग्रहण कर सकते हैं क्या? करते हैं क्या? बोले हाँ करते हैं। बोले जान करके करते कि अनजाने में करते हैं? तो वहां जवाब बड़ा डिफरेंट आ गया। बोले नारकी के जीव, तिरंज गति के जीव, देव गति के जीव में तिरंज गति और नारकी गति के जीव ग्रहण करते हैं लेकिन जानते नहीं, और जानते नहीं तो फील नहीं करते। जैसे आप श्वास लेते हैं लेकिन जानते नहीं तो फील नहीं होती है। जैसे आपको तीर्थंकर परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है लेकिन आप जानते नहीं तो फील नहीं होता है। यदि आपके शरीर में दर्द हो और आपको उसका ज्ञान नहीं हो तो दर्द होगा? दर्द कब होता है? जब आप जानते तब होता है। जैसे दर्द जब आप जानते तब होता है, नहीं जानो तो दर्द नहीं है। जिसको एंस्थीसिया दे दिया गया और एंस्थीसिया देकर उसको ऑपरेशन करते हैं तो क्या खून नहीं बहता, क्या जख्म नहीं होती, लेकिन उसको पीड़ा नहीं होती है। क्यों नहीं होती पीड़ा? क्यों जानता नहीं है? जानेगा तो फील करेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।